अब वैसे तो बेंटन ओमनीवर्स में हमें बेंटन में काफी सारे चेंज देखने को मिले थे, लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये था कि बेंटन की लव स्टोरी को बदल दिया गया, यानी कि जूली को रिप्लेस करके बेंटन का जो सबसे पहला प्यार था वही ला दिया गया। स्काई ग्रीन को दोबारा से बेंटन की लाइफ में ला दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया और बेंटन ये क्यों सोचता है कि स्काई ग्रीन उसके लिए बेटर है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो अगर जो भी जूली के फैन है और जो भी जूली को पसंद करते हैं, ये उनके लिए काफी दिल तोड़ देने वाली लाइन है। और ये सच है कि जूली एक कैरेक्टर लेस लड़की है। अब हालांकि कंपेयर करें काइग्रीन के प्यार को और जूली के प्यार को, तो इन दोनों के प्यार में काफी फर्क है। काइग्रीन बेंटन के वेयरवुल्फ वाले अवतार को पसंद करती है और जूली बेंटन को पसंद करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जूली एक कैरेक्टर लेस लड़की क्यों हो गई और जूली बेंटन के लिए सही लड़की क्यों नहीं है। तो आप अपने ऊपर ये एग्जाम्पल लेके देखो कि अगर कोई लड़की आपको सामने से इम्प्रेस करती है और वो आसानी से किसी भी लड़के से इम्प्रेस हो जाती है, तो आप उस लड़की को क्या कहोगे। अब देखो यार, कई सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कि सामने से इम्प्रेस करती हैं और वो काफी अच्छी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम 95% लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जूली ने उस कैमरामैन को बेंटन से बेटर समझा और वो कैमरामैन के साथ चली गई, लेकिन अगर जूली यहाँ पर बेंटन से ब्रेकअप करके सिंगल ही रहना पसंद करती तो जूली एक कैरेक्टर लेस लड़की नहीं होती। लेकिन उसने बॉयफ्रेंड तो ऐसे बदला जैसे कि वो कपड़े बदलती है। अब इसी के अपोजिट में देखें काइग्रीन को, तो काइग्रीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बेंटन क्या करता है, और कोई भी लड़का कितना भी कोशिश कर ले वो काइग्रीन को इम्प्रेस नहीं कर सकता। इसी के अपोजिट में कोई भी लड़का अगर जूली से अच्छी तरीके से बात कर ले तो वो उसे इम्प्रेस कर लेगा। अब बेंटन यूनिवर्स का काफी बड़ा सुपर हीरो है और बेंटन ने कई बार यूनिवर्स को बचाया है, फिर भी काइग्रीन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है और वो कौन है। वो जितना भी काइग्रीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करे, काइग्रीन उससे इम्प्रेस नहीं होती। अब आप लोग कहो इस हिसाब से तो ग्वेन भी एक कैरेक्टर लेस लड़की हो गई, क्योंकि उसने भी केविन को सामने से इम्प्रेस किया था। देखो यार, ग्वेन एक कैरेक्टर लेस लड़की नहीं है, क्योंकि केविन और ग्वेन की इन छोटे मोटे मामलों में काफी बार फाइट हुई है, लेकिन वो इन छोटी मोटी फाइटों के चक्कर में अपना बॉयफ्रेंड तो चेंज नहीं कर देती ना। और ग्वेन को ये भी बात पता है कि केविन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था पहले, और केविन बाद में भी जाकर काफी बुरा बन गया था, लेकिन ग्वेन उसके साथ हमेशा थी। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी बेंटन बुरा बन जाए तो जूली उसे छोड़ देगी। उसकी छोटी मोटी बातों पर ही जूली उससे इतना गुस्सा हो जाती है, तो वो बेंटन का साथ कहाँ से देगी। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि काइग्रीन बेंटन से उस हिसाब से प्यार नहीं करती जिस हिसाब से उसे करना चाहिए, लेकिन बेंटन को उसके ऊपर कम से कम इतना तो विश्वास है कि जब बेंटन काइग्रीन से शादी कर लेगा तो काइग्रीन उसे धोखा नहीं देगी। लेकिन इसी के अपोजिट में जाएं जूली की तरफ, जूली की अगर छोटी मोटी बात पर बेंटन से लड़ाई हो जाती है तो वो तो सीधे डिवोर्स दे देगी उसे, और ये चीज बेंटन कभी भी नहीं चाहता। बेंटन एक हमेशा हैप्पी लाइफ चाहता है। अब आपने बेंटन 1000 एपिसोड तो देखा ही होगा, बेंटन 1000 अपनी फैमिली को लेके कितना अनकेयरफुल हो गया था। तो इस पॉइंट पे अगर काइग्रीन बेंटन की वाइफ नहीं होती और काइग्रीन की जगह जूली बेंटन की वाइफ होती तो वो तो अभी तक बेंटन को डिवोर्स दे चुकी होती, क्योंकि इसी कारण की वजह से उसने बेंटन से ब्रेकअप किया था। लेकिन अब मेरा ये बॉयफ्रेंड मुझे इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए बाय। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि जूली को ऐसा लड़का चाहिए जो कि 24/7 जूली को टाइम दे, और जब भी जूली कॉल करे तभी वो बंदा उसकी फितरत में हाजिर हो जाए। अब ऐसे बंदे को सिर्फ एक वर्ड बोला जाएगा, तुम एक नंबर का चूतिया हो। हाँ, क्योंकि ऐसे बंदे पर यही वर्ड सूट करता है। मतलब ऐसा बंदा तो बेंटन कभी भी नहीं बन सकता, और ऐसा बंदा आप भी बनना पसंद नहीं करोगे। इसीलिए जूली बेंटन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट लड़की नहीं है, और काइग्रीन हर मामलों में बेंटन की एक परफेक्ट वाइफ बन सकती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो अवेयर हो जाएं कि ऐसी लड़कियों से उन्हें प्यार नहीं करना चाहिए।